सो गाइस अभी चल रहा है सुबह सुबह का नाश्ता। साहब जी आ नाश्तो छे के जमवानु छे? चलो साथ में एक्चुअल में नाश्ता करने और खाने के लिए आ जाओ दोनों साथ। एक्चुअल में अभी है ना कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं और इनका नाश्ता चल रहा है। और ये है सुचिया कचरी यस ये कचरिया है चेरी वाला कचरिया इनको स्पेशल दामाद जी को। और दामाद जी और मैं खुद ही खा रहे हैं। मैंने खा लिया है पहले अब ये बाकी खजूर पाक है ये स्पेशल जुल्ली ने हमारे लिए बनाए हुए लड्डू है। और ये हमारे फादर इन लोगों की तरफ से ये चेरी वाला कचरिया। ये देखिए ये जुल्ली ने स्पेशल बनवाए हैं विंटर के लड्डू सारे सूखे मेवे हैं इसमें। हेलो 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 फ्रेंड्स केम छो जय श्री कृष्णा गुड मॉर्निंग। ये नाश्ता हो गया है अभी इनका। और जूली देखिए क्या सामान लेकर आई है पोटला भर के इससे निकाल रही है। हमारा तो बस यही चलता रहता है जब भी आओ कुछ ना कुछ उठा कर लेकर आते हैं फिर निकालो यहाँ पर। क्या है पुराने कपड़े? पुराने कपड़े हैं और कुछ नए हैं मेरे सिलने के लिए सूट लेके आई हूँ। आज मारो सलवार है सीवानो है ने आ पुराना है वीडियो बनाओ वो तहार ले नारो है आ मारो सलवार है त्रण पेर से मारी सलवार नहीं सीवाने आम कपड़ा वीडियो बनाओ का मारो है तले सलवार है सीवाना ना सूट बे आखू है सलवार बे सलवार सलवार बोल रही है बे हाथ में सलवार आवे एटले वाह ये सूरत गई थी तो मस्त अपने लेकर आई जो आयरो देख तू तो ये अभी स्टिचिंग करनी है खुद के घर पर टाइम नहीं मिला है यहाँ पर लेकर आई है यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। वाइस देखो देखो अभी मस्त नींद आ गई है सुबह में 8 बजे जग गई थी। वो ब्लाउज भी सिल दिए वो भी लेके आई मम्मी के ब्लाउज सिलने के लिए लेकर गई थी सिल गए हैं मम्मी के ब्लाउज। मम्मी क्या रेडी थे क्या? हाँ मम्मी रेडी हो गए हैं और कपड़े धोने के लिए निकल रहे हैं जा रहे हैं कपड़े धोने के लिए अभी मशीन में डालेंगे। चलो अभी मशीन में कपड़े डालने बाकी है और अभी भी कुछ जुली निकाल रही है उसका मन रह गया नवी निकालने में। क्या है आज सूरत थी ले आवी हूं नवी कुर्ती आज सूरत थी ले आवी हूं नवी कुर्ती ये हमारी लैंग्वेज ये सूरत से लेके आई हूं मैं नई है मेरी कुर्ती सूरत अच्छी लग रही है। ये कितने की है? 900 की है। 900 की है अच्छा है वर्क की वजह से फैब्रिक अच्छा है फैब्रिक अच्छा है और वर्क की वजह से भी रेंज बढ़ गया है। बीजू का एक बताऊं छे जुली में बतावानू ये मेरी छोटी बहन है लस्पी हूँ बड़ी इससे। चलो बाहर का माहौल देख कर आते हैं अभी चक्कर लगा कर आते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ पर मम्मी का बगीचा मम्मी को बहुत फेवरेट है यहाँ पर सारे लगाए हुए हैं मम्मी ने छोटे छोटे ये अच्छा लग रहा है। और पापा देखो आज पापा को छुट्टी है मंगलवार को पापा को छुट्टी होती है तो बाकी तो ड्यूटी पर जाना होता है। जय श्री कृष्णा जय श्री छुट्टी है भव्य नहीं है अभी यहाँ पर भव्य की ड्यूटी है राजकोट लग गई है उसे नौकरी मिल गई है राजकोट है वो तो कार ऐसे ही पड़ी है गंदी हो गई थी तो पापा को आज मन कर रहा है साफ कर रहे हैं वो। और ये देखिए मम्मी का पापा का बगीचा गाय बहुत है और ये खुद की जगह नहीं है सामने खाली जगह पड़ी है उसमें बोया है तो ऐसे सेफ्टी के लिए देखिए कितने सारे कांटे लगा दिए यहाँ पर। यहाँ पर देखिए बैंगन है और फूल है बाकी और ये पौधे लगाए हैं फूल के सारे। ये घर हमारा खुद का है पापा का मेरे पापा का घर। अभी पापा के फ्रेंड आए थे तो ये देखिए कितना सारा सामान मंगवाया था तो लेकर आए हैं मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये खाखरा है और ये खजूर पाक फिर कचरिया यहाँ पर हमारा स्पेशल होता है ना कचरिया फिर मावा चिक्की ये सब मैंने ले लिया है घर के लिए वो बेच रहे थे तो अच्छा था उन्होंने बोला घर का है सब अच्छा है तो ये सब मैंने ले लिया है घर के लिए। सो गाइस वैस भी जाग गई है और इसे भी मैं बाहर चक्कर लगाने लेकर जा रही हूँ लेकिन थोड़ी हवा आ रही है। पापू के पापा क्या कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? लॉन्ग में गाड़ी जाके आते है ना तब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। टाट पड़े रही ठंडी लग रही है पापू तड़का माटे धूप के लिए लेकर आई हूँ लेकिन ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है।
गाइस अभी हम गए थे मार्केट में और ये मसाले लेकर आए हैं। क्या प्राइस है वहाँ पर नहीं पता है, पर जूली ले रही थी तो मैंने भी ले लिया। मिर्च है, हल्दी है और ये मैंने मिक्स दाल ले ली है, ट्राई करनी है। यहाँ पर रेडी ही थी, 70 रुपीज़ की आधा के जी 500 ग्राम ये ले लिए, ट्राई करनी है खिचड़ी बनाकर, अच्छी लगेगी तो ये मिक्स वाली खिचड़ी खानी है तो ये सारी दाल मिल जाए। इसके अलावा मैंने लिया है, ये डिब्बा चेंज करवाना था, ये मसाले का डिब्बा था मेरा, तो मैं बताऊँ आपको तो इस तरीके का डिब्बा कभी मत लेना। एक बार ऑलरेडी इसका ढक्कन मैं चेंज करवा चुकी हूँ फिर भी ये टूट गया। टूटना ये तो ठीक है, अपनी गलती है, लेकिन ये अच्छे से ना फिट ही नहीं आ रहा है, एकदम बेकार है ये डब्बा। तो इसका ढक्कन मुझे लेना था लेकिन वो तो नहीं मिला सिंगल, फिर मैंने ये नया डिब्बा ले लिया है। ये खोल के देखिए, ये देखिए ये एकदम मस्त है। वो अंकल ने 2 चम्मच दे दिए एक्स्ट्रा इसके, ये मस्त है बाउल, मस्त लग रहे हैं। आप कितना मुझे झूले, ये 450 हाँ ये 450 का 400 हाँ। फिर उन्होंने 400 रुपए लिए, पहले 450 बोले थे, 110 पाछा दी थे। ये मस्त डिब्बा आ गया, नया ले लिया मैंने। ये सिंपल है, इसमें कोई भी डिजाइन नहीं है, एकदम सिंपल। डिजाइन वाला था लेकिन अब मुझे डिजाइन वाला नहीं चाहिए था, एकदम सिंपल मैंने ले लिया है। ये देखिए, और ये जूली ने लिया है, ये एकदम बारात टाइप का है पर थोड़ा राउंड शेप में है। जूली को ये कब से चाहिए था तो मम्मी ने बोला था कि तुझे चाहिए तो ले लो, था लेकिन ये पूरा नीचे फ्लैट वाला था वो था तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी ने बोला था जो चाहिए ले लेना, तो जूली ने ये ले लिया है। और मैंने ना लोहे की कढ़ाई ली है, वो तो रोड ऊपर बैठे थे ना बेचने वाले, उन्हीं के पास, इतना लेट हो रहा था ना तो मैं वहां पर सूट नहीं कर पाई, नहीं तो अच्छा था वो बोल रहे थे। पर ये मैंने लोहे की एक तवी ली है और एक लोहे की कढ़ाई, अभी लोहे की काफी डिमांड आ गई है ना, सब बोल रहे हैं कि लोहे में खाना बनाओ, तो ये मुझे कब से लेना था तो आज मिल गया है। गाइस अभी बज रहे हैं 5 और वैसे को देखो पूरी दोपहर झुलाया है इसे, सो ही नहीं, कब से झुला कर रखा था, अभी बाहर लेकर आए बैठे यहाँ पर, फिर भी रो रही है। सो दियो बाबू, मस्त मस्त कुदा रही है इसे। और कुछ लोगों को देखिए मस्त अपना काम खत्म करके सोने लगे थे, लेकिन चाय की खुशबू ने इन्हें जगा दिया। मैं बोल रही हूँ नींद से वापस ला दिया, नींद से वापस आओ और आप वहाँ पर बैठ जाओ सोफे में और मुझे यहाँ पर सोने दो। किसी का हक छीनना बुरी बात, किसी का जन्म ये मेरा ब्लैंकेट अधिकार है। आसमान में जगमग तारे, छोटे मोटे प्यारे प्यारे, सांझ हुई तो जाग गए, सूरज निकला भाग गए, तारों की दुनिया ही न्यारी, आसमान में है फुलवारी, गोल गोल चांदी के गोले, आसमान में डगमग डोले। बीजू वाह 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 वाह, बीजू के आप आवड़ी गयो तो मैं तितली रानी कहो कहां से आती हो, फूलों का मीठा रस पीकर फिर कहां उड़ जाती हो, अपने पंखों के सारे रंग कहां से लाती हो, इन रंगों से कैसे फिर अपने पंख से जाती हो। वाह 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 वाह। गाइस अभी आज बन रहे हैं मेथी के गोटे, शाम हो गई, शाम के खाने की तैयारियां हो रही है, तो मैं अभी ना खजूर इमली की चटनी बना रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि चटनी नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर खजूर लिया है, इमली ली है और गुड़ लिया है, 1 गिलास पानी डाला है और इसे मैं बॉइल कर लूँगी। और मम्मी देखिए अभी स्टार्ट कट कर रहे हैं मेथी को, पालक को, सब मिक्स बनने वाला है। एक बार किसी ने मुझे पूछा था कि ये खजूर इमली की चटनी कैसे बनती है, तो बहुत इजी तरीका है, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा ले, नहीं तो थोड़ा सा ही गुड़ लेना है क्योंकि खजूर भी है ऑलरेडी इसके अंदर, तो इमली लेनी है जितनी खटास चाहिए। तो मैंने खजूर और इमली इक्वल साइज सेम लिया है, मतलब कि 50 ग्राम इमली है तो 50 ग्राम खजूर इस तरीके से, और थोड़ा सा गुड़ लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो हम पीछे से भी गुड़ तो ऐड कर ही सकते हैं। बस इसे बॉयल कर लूँगी, बाद में तड़का लगा दूँगी। So, dear friends,
यहाँ पर चल रही है मोबाइल की कुछ सेटिंग की बातें। जूली हमारे फादर इन लोग को कुछ सिखा रही है। और यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये देखिए अदरक और मम्मी के बगीचे का लहसुन है हरा, और मैंने हरी मिर्च ली है, और मम्मी मेथी कट कर रहे हैं, ये करना बाकी है। अरे पर बन क्या रहा है? पकोड़े। किसके? मेथी के। ओके सुनो मेरी बात, एक बेटी इसको माँ को सिखा रही है ना, दूसरी बेटी बाप को सिखा रही है, दोनों पढ़ाई कर रहे और यहाँ पर देखिए हर्षी, हर्षी क्या कर रही है? हर्षी मोबाइल में टाइम पास कर रही है। मैट्रिक तो नहीं है। क्या है? नाइन हो गया। हो गया? अभी तो नाइन हो गया। नाइन हो गया? बैटरी तो अरे उतनी सारी बैटरी तूने खर्च कर दी, क्या बात है, अब चार्जिंग पे रखना पड़ेगा फोन। और हमारी पप्पू, प्यारी प्यारी पप्पू आराम फरमा रही है। चीजा जी शूट करने के लिए गए वीडियो, तब तक के लिए हर्षी ने कौन खा गए, हर्षी ने खा लिया अमरुद, वो भी आधा अधूरा चंद्र बना दिया इसको, चंदा मामा। गाइस अभी पकोड़े ये बन गए हैं, बस ये लास्ट थोड़े से बचे हुए हैं, मैं बना रही हूँ लेकिन मैं इसलिए अब रो रही है तो मैं जा रही हूँ, जुड़ी को बोल रही हूँ बना लो, थोड़ा सा ये बचा है। सो गाइस पकोड़े बन गए और सबने खा लिए हैं, जुड़ी कर रही है सफाई, मम्मी कर रहे हैं यहाँ पर बर्तन के लिए। पापा केवल आ गया पकौड़ा, पकौड़ा मस्त है पर पापा ने थोड़ा मूड़ा ला गया, और मैंने ना मिर्च कम डाली थी, मैं अपने हिसाब से बनाए थे। और यहाँ ये पापा, पापा को नींद आ रही है तो अभी इनको सुला रहे हैं, और मैं अभी यहाँ पर देखिए कितना गंदा करके रखा है, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना ये सब फैला ही देते हैं, तो अभी मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ और सफाई कर रही हूँ, तो बाद में सोने के लिए यहाँ पर नीचे बिछाएंगे, ज्यादा तो नहीं बिछाना पड़ता है, जूली आई है तो जूली को बेचारे को नीचे सोना पड़ता है, हम लोग तो ऊपर सो जाते हैं, मैं यहाँ ऊपर सोता हूँ, चेतन वहाँ ऊपर सोते हैं, मम्मी पापा अंदर है। सो गाइस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, जय भारत।